गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? मैं तो हूँ जी खैरियत से। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब भी खैरियत से हों, ठीक ठाक हों। तो जी आपका पांडा फ्री होकर थोड़ी देर सो गया था, कोई कैमरा मैन हाथे नहीं चढ़ा, ना ही गली से कोनों से नुकरों से कोई, तो कोई भी नहीं था। फिर अब मुझे मिला है कैमरा और चपड़ चपड़ करने का मौका, जो कि मैं खाली नहीं जाने दूँगी। तो कैसे हैं आप सब? और मैं आप सबको दिखाती हूँ फोटा, ये देखिए मैं सो रही थी जो हम लेकर आए हैं। आहा, क्या मुसीबत है ये दुपट्टा यार मेरा। चलो मैं आपको दिखाती हूँ अपनी खाने का पोटा। ये रेस मेरी पसंद के हैं, मुझे ब्लैक वाली रेस काफी पसंद है। टक बिस्किट भी मैं खाती हूँ, कैंडी भी पसंद है, ये भी पसंद है। ओरियो तो बच्चों की तरह मेरा फेवरेट है, और ये सब मैं खाती हूँ। और ये टॉफियाँ और ये चॉकलेट है जो हम लेकर आए हैं, कभी कभार खाती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं नहीं खाती। आखिर कोई ना कोई एडिक्शन, कोई ना कोई नशा किसी न किसी को होता है। एक मुझे ये है, दूसरा सिगरेट पीने का। मजा कर रही थी, जस्ट जोकिंग। कल मैंने कहा जानू बुढ़े हैं, जानू शोर बगाते हैं, तो मेरे सब्सक्राइबर हैं बहुत प्यारे, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, कहते मोहब्बत में उम्र मैटर ही नहीं करती। मैंने ना जन के 34 को 2 से 2.5 बार मल्टीप्लाई करके आपको बता दी थी, तो भाई सॉरी, कान पकड़ के दोबारा मैं से घटिया बकवास नहीं करूंगी। यार पता नहीं क्या है, मेरी जुबान खाती मीठा है, उगलती कड़वा है, पता नहीं क्यों। शायद मैं मैरिड हूँ, शायद ऐसा मुझे लगा, आई डोंट नो, पता है ना कन्फर्म। तो ये आज ना मेरे जाने बुढ़े हैं, इनसे खाना नहीं खाया गया। वो लेकर आए थे मटन बीफ, सॉरी फिर गलती हो गया, जानू लेकर आए थे बीफ, और मैं आज बनाऊंगी जानू का मन पसंद मजेदार सी बीफ कढ़ाई। और मेरे सारे जितने भी YouTube फ्रेंड्स और फैंस हैं और मेरे चाहने वाले, प्यार करने वाले, मेरे दोस्त अहबाब सब आ जाए मेरे घर पर, क्योंकि मैं बना रही हूँ बीफ कढ़ाई। और आप सबसे भी शेयर करूंगी, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा, हेल्प करिएगा, ताकि मैं चीजुआ खा सकूँ। ये मेरी चीजुआ हैं, ये मुक जाती हैं तो फिर मैं पागल सांड की तरह घूमती हूँ। चलें जब मैं चलती हूँ दिखाती हूँ आपको। अब मैं बनाने लगी हूँ सालन, करना है काम और आप सबसे शेयर करती हूँ। गोश्त को मैंने बलने के लिए रखा था, इसमें सारे मटीरियल डाल के कुकर था, उसने ऐसे चमक मारी, मैं डर गई, मैंने जल्दी से हाथ उठा लिया। और अब मैं इसकी बनाऊंगी बीफ कढ़ाई। और ये देखो, ये कचरा रखा है, बर्तन रखे हैं, बर्तन अभी वॉश करने हैं, फिर मैंने शावर भी लेना है, गर्मी लग रही थी, सुबह को नहाया फिर भी गर्मी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा टाइम ए सी नहीं चलता है, इसलिए बस ये तकरीबन रेडी है। अब मैं दिखाती हूँ आपको आगे का सीन। ये देखें, इसमें हरी मिर्चें साबुत हैं। अब ये ना लीजिएगा, वो जैसे टिकटॉक पे बाजी आती हैं। अच्छा, टिकटॉक पे जो वीडियो डालता है वो 20-30 औरतें मोबाइल लेके बैठी हैं, इतनी तनकीद करती हैं सबको, और कोई चीखता फिरता है उनसे। तो ना ये मैंने साबुत मसाले डाले थे, इनका काम अब ख़त्म हो गया है, बिल्कुल रिश्ते कराने वाली आंटी की तरह मैंने निकाल बाहर किया है। और बाकी जो है अब इसमें सारा कुछ इसकी पकड़ के मैंने कढ़ाई बना देनी है। बस इतनी सी आपकी समीने की रेसिपी है, बहुत इजी है, बहुत मज़ेदार है। 3-4 तरह की कढ़ाई बना लेती हूँ मैं। और ये तकरीबन जिसे हम अपने टाइम पे जब कुकिंग सीखते थे तो ये टमाटर गोश्त के नाम पे थे, जिसे अब शनवारी कढ़ाई फलां टमका ये वो, सेम रेसिपी, सेम चीज़ें, सेम मसाले, सेम आइडियाज़ को बदल के बस रेसिपियों के नाम बदले हुए हैं। चेंज ये होता है कि बीफ कौरमा हो गया, चिकन बिरयानी होगी, या फिर हो गया कीमा, या फिर हो गया कबाब, या फिर होगी इस तरह के जैसा कि नरगसी कोफ्ते, बस उन चीजों का इन्होंने फिर दलिया निकाला है, कुल मिला के सबको बस मिक्स करके रख दिया है। अब तो कुकिंग इतनी आसान हो गई है और लेटेस्ट हो गई है। ये देखें, इसका पानी अलग कर दूंगी। चलिए अब लगाते हैं हम इसको फ्राई वाला तड़का, और खाना है तो भाग के आ जाए आप लोग, फिर ना कहिएगा हमें दिया नहीं। ये लग रहा है मजेदार सा तड़का, हरी मिर्च और काली मिर्च में बन रही है शनवारी कढ़ाई।
मसाला गया है मज़ेदार साबुत, इसमें डाल देंगे सारा बीज, सारे मसाले, सारी चीज़ें। ओह, कोई खुशबू आ रही है मज़ेदार सी। ये देखते हैं ऐसे बनाते हैं कढ़ाई। टिकटॉक वालों के तो लल्ले छल्ले देख के मुझे गुस्सा आता है। पता है कितनी डिफिकल्ट होती थी रेसिपियाँ, कितने मुश्किल होता था सामान लेना, कितना मुश्किल होता था अब्बू को बाज़ारों में लेकर जाना और सामान लाना रेसिपियों का, फिर उन पर ट्राई करना। अब तो पता नहीं क्या ऐसी एक ऐसी रेसिपी आ गई है, एक रेसिपी के 30-40 नाम होते हैं, सर्च करो वो सेम। तब से मैंने टिकटॉक को अवॉइड करना शुरू कर दिया था, ये मुझे पसंद नहीं आया था काम। रही बात आउटसाइडरों की, तो ना हम सिटियों में जाएं बड़ी जगहों पे, ना वहाँ के खाने खाएं ऐसे, ना होटलों के, तो फिर पहले कुकिंग घर में ही की जाती थी। और ये 95 की बातें सुना रही हूँ मैं आपको, 95 वाले जो हैं अब आना चाहिएगा। कुल मिला के 60-65 साल मुझसे लड़ने ये जब हमने सीखा, मैं उसकी बात कर रही हूँ। उसके बाद फिर दौर ख़त्म हो गया कुकिंग सीखने का शायद जी, क्योंकि टच फोन आ गए थे सबके पास, तब तक नहीं थे, अगर थे तो टूटे हुए कीपैड वाले जो घर छुपा के बाहर निकलना पड़ता था, फिर भी चलते हैं लोग मेरे से। वाह वाह वाह, बस अब आप चख के देखें, बाकी तो आप लोग रहने ही दें। बस इसी तरह ये फ्राई हो रही है, अब इसमें जाएगी प्याली भर के काली मिर्च, जो कि जानू को बहुत पसंद है और मुझे भी, क्योंकि काली मिर्च के बिना कढ़ाई मुकम्मल नहीं होती। जी सालन बनते बनते कुकर में गोश्त उबाला था, इसे धोने लगी थी, अब बनाऊंगी जानू की शाम वाली चाय। और साथ साथ में मेरे बर्तनों ने इतने बच्चे पैदा किए हैं, ये देखे पानी, ये देखे, ये सारी लकड़ी की है और ये सारी टूट गई है। मैं परेशान, पता नहीं अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे इतने बर्तन धोया करूंगी, कैसे खुरे में बैठा करूंगी, ये सारी टूट के, इसका फार्मिका अलग, पानी अलग, ये सारा पानी मेरे कपड़ों पे लगता है, इतना इरिटेट करता है ना, सारा दिन इसका पानी साफ करती हूँ। ये देखें कभी इधर को मारती हूँ पानी, कभी उधर को, ये सारा इस तरह टूट के ना इस तरह ये निकल रहा है अंदर से। हमने तो जुगाड़ लगाया था कि कुछ टाइम चल जाएगा, पर मुझे इससे कोई आसरा नज़र नहीं आ रहा। और जिसके साथ ही अब मैं अब ना आपको अपनी कढ़ाई का फाइनल लुक दिखाती हूँ, आ जाएं आप बस जल्दी से, मैं दिखाती हूँ आप सबको। तो जी ये देखें, गर्मी में भागा दौड़ी में ये हो गई है मेरी कढ़ाई तैयार। ये इस तरह से इतनी लूज़ है और शायद दिखने में आपको थोड़ा इसमें रस लग रहा होगा, पर इतना रस हम रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो अभी से दम भी लगेगा, और ये हरी मिर्च, हरा धनिया है, इसे मैं थोड़ी सी तेज़ आंच करके दम पे लगा दूंगी, ताकि इसमें जो बाकी का पानी है ये अलग हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। बस इतनी गुंजाइश मैं रखती होती हूँ, क्योंकि फिर दम सही नहीं लगता और कढ़ाई नीचे से चिपकने लग जाती है, क्योंकि खाना खाने में तो अभी देर है इसीलिए। और ये देख सकते हैं आप इसका फाइनल लुक, कैसी लग रही है ज़रूर बताया करें, अप्रिशिएट किया करें, सपोर्ट किया करें। आपकी सुनीना का चैनल है, और जी आप देख सकते हैं ये मैंने थोड़ी सी आंचेस की तेज़ कर दी है। अब मैं इसे छोड़ देती हूँ और मैं चलती हूँ एक न्यू काम करने। ये देख लें जी, हम जलावतनों की ज़िंदगी कितनी डिस्टर्ब है। खाना बना रही थी और दांत में दर्द काफ़ी परेशान किए जा रहा है, पता नहीं क्या है। जब से यहाँ आई हूँ तबीयत ही ओके नहीं हो रही है। ब्रश करने जा रही थी, ये देखो सीमट ला के रखा हुआ है, वो लेकर जाते हैं, ब्रश करती हूँ क्योंकि फिर मैंने चाय पीनी है। जब मैं चाय पीऊँगी तो फिर मेरे दांत में दर्द होगा, इसीलिए मैंने सोचा पहले मैं ब्रश कर देती हूँ।
देखो ये कढ़ाई खाने के लिए मैंने तैयार किया है। काफ़ी दर्द हो रहा था दांत में, समझ ही नहीं आ रही क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर को दिखाने जाने का टाइम नहीं है, जानू बिल्कुल भी फ्री नहीं है, अपने कामों में बेहद मसरूफ़ है और मैं अपने मसलों में उलझी हुई हूँ। अब लगी हूँ जानू की चाय बनाने और वो आज उन्हें लेट हो गई है, कभी कभी 4 बजे भी लेते हैं, कभी 5 बजे। अब मैं बनाने लगी हूँ उनकी चाय, उसके बाद आटा गूंदूंगी, रोटियाँ बनाऊँगी, फिर मेरे शावर का नंबर आएगा। बस जी, इसके साथ ही आज के व्लॉग का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।